बोल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो अमित भाई अपना गद्दा पे खुद खुद के उद्घाटन कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो एक तरफ मनीषा एक तरफ। गाइस यहाँ पर देखिए गोलगप्पा खिलाया जा रहा है किट्टो के मुंह में आ गया। हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ से अब रानी दी के घर से हमारी विदाई हो रही है, ये लोग अपना शूट कर रहे हैं और हम लोग भी निकलते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अभी हमें जाना बहुत दूर, जाना बहुत है दूर, प्यार की कश्ती में। वहाँ जीजू हैं, जीजू यूनिफॉर्म में है, उनका शूट नहीं कर सकते हम लोग। तो गाइस यहाँ पर मनीषा ट्राई कर रही है नए नए ड्रेसेस, शॉपिंग की तैयारी चल रहा है। यहाँ पर एकदम भीड़ लगा हुआ है मस्त। तो गाइस फाइनली मनीषा ने कर ली शॉपिंग और अब ये खुश हो रही हैं थोड़ा थोड़ा, वो बाद में दिखाएंगे आपको। दोस्तों थोड़ी बहुत शॉपिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत क्या मतलब, मनीषा के लिए मैंने एक लहंगा दिलाया और एक साड़ी, शादी वगैरह की सबकी तैयारी एकदम भरपूर चल रही है, कहीं भी किसी ओकेजन में ड्रेस की दिक्कत ना हो। और अभी चलते हैं पहले हम लोग निक्कू कार डेकोर के पास, निक्कू भाई के पास। कार में थोड़ा सा जो उन्होंने सेटअप करा था वो मैंने निकलवा दिया था, तो उसको ठीक करवाते हैं। निकल भी गया था और कुछ तो अपने आप निकल चुका है, तो चलिए बने रहिए। तो गाइज आ चुका हूँ निक्कू भाई के पास। निक्कू भाई अभी पता नहीं कहाँ है, निक्कू भाई आग सेक रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं। अभी आकर बहुत सारी बातचीत हो गई थी, अब गाड़ी में जो थोड़ा बहुत वो रहता था तार वगैरह निकला था एम्बियंट का, वो मैंने वापस कनेक्ट करा लिया और मनीषा यहाँ पर बैठी हुई है गाड़ी में आराम से। तो गाइज निक्कू भाई को मिल गया टाइम, आज आज इनका सेटिंग अलग चल रहा है, आज बिहारी सेटिंग चल रहा है। तो भाई हमारे मुजफ्फरपुर से हैं, बहुत सारे लोग हमारे बिहार के व्यूवर्स हैं जो जिनको जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तब जान जाएंगे। गाड़ी का सारा कुछ हमारा यही करते हैं और जब टाइम मिलता है आ जाते हैं, दूसरी जगह गाड़ी का कुछ मतलब नहीं बनता है छूछा करने का। बिना वायर कटिंग के कपलर टू कपलर, इनका नाम ही है चैनल का निक्कू कपलर। चलो तो गाइस गाड़ी वाड़ी का काम करा के हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस में और अभी चलते हैं हम लोग अमित भाई के पास पहले, और फिर आगे का कुछ प्रोग्राम है वो सेट करेंगे। तो मनीषा और मैं दोनों हम लोग घूम रहे हैं, आज हम लोग सिटी में बहुत दिन के बाद। हाँ आज बहुत दिन के बाद, और अपनी गाड़ी से तो पहली बार, दूसरी बार अमित भाई का एनिवर्सरी है पे आए थे लोग गाड़ी से, नहीं तो जनरली हम लोग गाड़ी से आते नहीं यहाँ पे। चलो ऐसे एक बात तो है, सीपी की जो चकाचौंध है ना वो नेक्स्ट ही लेवल है ना मनीषा। चलो गाइस चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं आप देख सकते हो, पूरा मस्त माहौल बना पड़ा। तो गाइस हमारे सुपरस्टार यहाँ आ चुके हैं, मनीषा यहाँ पे है और मैं भी यहाँ पे हूँ, पूरा एकदम मजा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अब सीपी में घूम रहे हम लोग और मनीषा भी इधर एक तरफ। तो गाइस अभी अमित भाई को लग रहा है हम इनके घर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लग नहीं रहा है, चेहरा से आप समझ लो। किधर खड़ी कर दी हो, अभी निकल रहे हैं, गाड़ी वहाँ पे वो पेड़ से थोड़ा आगे। तो गाइस टनल के अंदर भयंकर जाम, अमित भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो खैर कोई बात नहीं है, शॉर्टकट से लेके निकले हमसे इधर खाली होगा, लेकिन चला जाओ तो मामला और गड़बड़ और लॉन्ग कट हो गया। देखो ये कितना दूर है, 51 मिनट से ज्यादा 26 किलोमीटर मेट्रो से ही अच्छा रहता होगा ना, 2 घंटे तो कम से कम ही लगता होगा, तो मतलब मैं तो 2 घंटा फिक्स में चले जाते हैं ऐसे। भाई साहब बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हो और सेफ्टी, जो सुबह से मैं दरवाजा खोल के गया हूं वैसे ही खुला हुआ है, ये कोई बंद तक करने नहीं आया है। कितना लोग आके गया होगा, कोई टेंशन नहीं। तो गाइस जूता को जूते के रैक में रखा जाए, स्लीपर बहुत अच्छा, मेरा भी मोजा। तो गाइस आप देख सकते हो अमित भाई अपना गद्दा पे खुद खुद के उद्घाटन कर रहे हैं, करता कि भिजवा दे, हम कहे कि नहीं अभी वो आ जाते तब हम पूछेंगे तब आप भिजवाइए, क्या भिजवा दे, ठंडा यहां है। तो गाइस किट्टो हमारे घर में, किट्टो के घर में हम लोग खाने वाले हैं गोलगप्पा, गोलगप्पा से शुरू हो रहा है, खट्टा पानी मीठा पानी सब तरह का। और ये गोलगप्पा निक्कू भाई की तरफ से मस्त, गाड़ी में छूट गया था, हम बोले कि भाई छूट गया लेके चलो खराब हो जाएगा। मनीषा को बोला मनीषा मस्त भुजिया बनाओ मजा आ जाएगा, अरे नहीं ठीक है अभी यहाँ पे चलते हैं पहले गोलगप्पे खाएंगे। तो गाइस यहाँ पर अमित भाई को सदमा लग गया, ये देखो अमित भाई की मम्मी के प्यारे प्यारे हाथों से बना हुआ लड्डू, इतना सजा कह रही है ऐसे ही दोनों हाथ में, अरे ऐसे थोड़ी मेहमान थोड़ी आया घर में, अरे ठीक है ऐसे अच्छा लग रहा है, मस्त चमक रहा है लड्डू,
मम्मी तो करी और भर देंगे एक अच्छा भर के रख दिए। वाह भाई पूरी भाई सब लॉटरी लग गया यार। तो ये हमारे लिए बनाई थी क्या मम्मी? ले जाएंगे, ले जाइएगा। क्या है मम्मी, कहीं हमारा बेटा आ रहा है, उसके लिए बनाते हैं। चलो हम ऐसे भी सुबह सुबह उठ के मीठा खाते हैं ना, मीठा खाना चाहिए। पेट के लिए बहुत फायदा करे, नुकसान लग रहा है, पेट के लिए बहुत फायदा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सही टाइम पर आ गए। अब तो आप दूध लाके दूध आ रहा है। यहाँ पे मस्त मस्त कुछ कुछ बन रहा है, चिमनी चल चुका है, एकदम आवाज आ रहा है। और यहाँ क्या ही आलू का भुजिया बन रहा है नया डिजाइन में भाई। ओ भाई साहब, और यहाँ पे चाय भी बन रहा है। चाय तो किट्टो रानी खुद पियेंगी, मम्मी पियेंगी। लड्डू बहुत टेस्टी था, आते आते और खा लीजिए, खा के एकदम पेट झरवा लीजिए आज ना, खूब खाइए पेट झरवाइए। और चलते हैं बाहर बालकोनी में, बालकोनी का अपना मजा है। ओ भाई धुंध धुंध बहुत ज़्यादा गिर गया, मस्त आ रहा है लुक गाइस अल्टीमेट। तो अभी फिलहाल बालकोनी में आ चुका हूँ, ठंड है बहुत। अभी मेरे को एक्चुअली यहाँ से निकल जाना था, मैंने सोचा कि रात को निकल जाएंगे आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन अमित भाई बोला कि नहीं धुंध पड़ जाएगी यार रास्ते में। देखो ये धुंध बाकी में अभी पड़ने ही लग गया 9 बजे यार। वैसे 11-12 बजे तक तो कोई धुंध होता नहीं, बट फिलहाल आप लोग एंजॉय करो व्लॉग। वैसे आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे रहते हैं। तो रास्ते में अच्छा अच्छी जगह ना, सबसे बेस्ट पार्ट आपको बताऊँ, सबसे बेस्ट पार्ट अमित और किट्टो के घर की ये है कि ये हमारे रास्ते में है। जब हमें दिल्ली आना होगा तो भी रास्ते में आएगा, और जब हमें घर जाना होगा तभी रास्ते में आएगा। तो आप लोग बने रहो, ऐसे ही एंजॉय करो। ये लोग यहाँ पर लगे रहेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, किट्टो एक तरफ, मनीषा एक तरफ, और सब्जी बन रहा है एक तरफ, चाय बन रहा है एक तरफ। एक अच्छा अदरक, इसका ऑल टाइम फेवरेट है अदरक। अदरक ना हो तो चाय मज़ा नहीं है ना। तुमको सबसे ज़्यादा अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है? खूब अदरक, लेकिन ठंड में तो अच्छा है, गर्मी में नुकसानदायक होता है अदरक। कई दिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बैठ जब तुम जाके आराम करो ना, यहाँ पे का किचन में घुस गई है। अरे जाओ। और अमित भाई यहाँ पे मेहनत करते हुए, मम्मी वहाँ पे मटर। कुर्सी बहुत पसंद आया था, बोले थे ये कुर्सी ऐसा गेमिंग चेयर है। तो गेमिंग चेयर ही है, गेमिंग चेयर करके जब बोलेंगे ना जी में उस पे Amazon पे तो आपको दिखेगा ये। नहीं अच्छा है, आराम आराम के लिए ठीक है। और पीछे होके बैठ जाओ आराम से, कंफर्ट है। अरे आएगा हांडी दलवा आएगा। देख लीजिए गर्मी हो रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर हाँ हम जाके फोटो भेज देंगे। पहले बता दे रहे, बाद में मत बोलना कि कॉपी कर लिए। टंगा होगा हमारा, दिखाते हैं टंगा होगा। तुम क्या तो दिखाते हो, टंगा होगा हमारा, हम भी दिखा देंगे। हाँ अच्छा बाहर लगा हुआ है, छोटा छोटा है। सही बात है भाई, पूरा बेटे वाला धर्म निभा रहे हैं घर पे आते आते, और चाय वगैरह दे रहे हैं। चलो गाइस अब करते हैं आप लोगों से बातें। बालकोनी में तो आ चुका हूँ, इस तरफ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे फ्लैट में रहने का ना एक अलग मज़ा है, घर में गांव में रहने का एक अलग मज़ा है। सब जगह जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग एक अपना ही स्वैग, अपना ही फीलिंग, अपना ही मज़ा आता है। और यहाँ पर किट्टो और अमित भाई और मनीषा सब लगे हुए हैं। मैंने बोला यार बहुत दिन से बाहर का खाना खा के ना बोर हो चुके हैं, तो चलो क्यों ना घर में थोड़ा सा खाते हैं। तो मनीषा को मैंने बोला, मनीषा चावल दाल भैया बनाना, सुबह से बोल रहा हूँ। तब रानी दीदी के घर भी हम लोग जाने वाले थे, लेकिन वहाँ गए तो फिर उसके बाद फिर अब लेट हो गया एक ही टाइम पे ना। फिर मैंने बोला कि यार अब निकलते हैं घर के लिए, तो घर के लिए निकलना था। उसके बीच में फिर मैंने बोला कार में काम था, वो काम करवा लेते हैं, वो भी काम हुआ। तब तक शाम हो गया, तो अमित भाई कहने लग गए कि यार अब अंधेरा हो जाएगा, धुंध हो जाएगा। और धुंध बाकी में देखो आप लोग खुद ही कितना होने लग गया। तो अभी तो फिलहाल कम है दिल्ली में, लेकिन बाहर जब सड़कों पर जाएंगे ना धुंध नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, सुबह निकलेंगे। सुबह जैसे धुंध वगैरह खत्म होगा अपना आराम से फ्रेश वगैरह होकर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ भी घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और फिर वापस हम लोगों को नेक्स्ट अपना जो
प्लान है, नेक्स्ट शेड्यूल है, उसको भी फॉलो करना है। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। और अब घर जब बन रहा है ना, तो बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस्त्री इधर उधर ना कर दें, बहुत केयर करना पड़ता है। और वहाँ पे भी कोई आया हुआ है, एक राहुल भाई, तो उसको भी देखना है। तो चलते हैं अब यहाँ से अंदर, क्योंकि यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे मनीषा बात कर रही हैं दोनों लोग। दोनों लोगों का बातचीत आप देख सकते हैं, कितने प्यार से लोग रहते हैं घर के अंदर, ये लोग दोनों बहन जैसा। लेकिन आप लोगों को बताएं, मतलब मैं ओपनली आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब अमित भाई के साथ तो मेरा एक अलग ही बॉन्ड, एक मतलब लगता है ना कि मेरा अपना ही घर है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप ही जाता हूँ मन से। और पहले भी मैं वहाँ गली में थोड़ा गाड़ी वगैरह का प्रॉब्लम होता था, गाड़ी में स्क्रैच वगैरह आ गया था एक दो बार, इसलिए उधर मैं ज़्यादा नहीं जा पाता था। अब ये तो मेरे एकदम रूट पे है, जब अगर गांव जाना है तो भी एक्सप्रेसवे के पास है, और अगर अंबाला जाना है तो भी एक्सप्रेसवे के पास है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, यहाँ से सुबह सुबह जल्दी से निकल लेंगे, यहाँ से 2-2.5 घंटा लगेगा अंबाला मेरा घर। तो यही था आज का शेड्यूल एंड छोटा सा ये वाला ब्लॉग। ये वाली फैमिली भी एक अपनी फैमिली है, तो बाकी अब जल्दी से बेबी आ जाएगा किट्टो का, तो और अच्छा रहेगा। तो प्रेगनेंसी के तुम बता दियो जी कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा, तुम बताइए हो कौन सा महीना चल रहा है, नहीं बताइए, बस आखिरी कुछ दिन है इसके। आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं इसके, कुछ दिन क्या मतलब, अब तो क्या ही बताया जाए, वैसे महीना बताते नहीं है, लेकिन बस एक्सपेक्टेशन है कि 3-4-5-6-10 दिन 12 दिन कभी भी हो जाए, तो यही एक्सपेक्टेशन है। ये कहाँ लपेट रहे हो जी तुम लोग, हम थोड़ा बाहर क्या गए, ब्रेड तो हमसे नहीं पूछा गया, चाय पूछा जा रहा था सिर्फ। हाँ, वासे पूछे हैं। चाय वा ना पूछिए, ब्रेडवा कौन पूछा है, नहीं हम चावल दाल भुजिया खाएंगे अपना फेवरेट, हम उसी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इन लोग का मस्त सिस्टम चल पड़ा। तो गाइस एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या कह रही है मनीषा, मम्मी वहाँ चाय पी रही है। हाँ, उनके लाडले बेटे ले जाके अपने हाथों से दिए हैं बहू रानी बना के। चलो गाइस तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, खूब कीजिएगा। और इसके पेट में जब लात मार रहा तो पेट पकड़ के बैठ जा रही है। चलो गाइस ऐसे बोलना ऑल इज वेल। सब बता रही है, ठीक है। चलो गाइस अब चलते हैं, आराम करते हैं।